अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज असल इमसान एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। बिफोर वी स्टार्ट आवर टॉपिक व्हाट इज हाफ लाइफ, गेट सम मोटिवेशन। यू कैन सी अ मोटिवेशन कोट ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। अगर आपकी जो बाईसाइकिल है वो ख़राब हो गई है और दो शॉप्स हैं, एक वो शॉप है जिसके अंदर जो आदमी है उसको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है बाईसाइकिल को ठीक करने का, और दूसरी शॉप में जो आदमी है उसको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि बाईसाइकिल कैसे ठीक हो सकती है, तो आप किसके पास जाएंगे? जिसके पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, जिसके पास कम इंफॉर्मेशन है आपकी बाईसाइकिल को ठीक करने की? ऑब्वियसली जिसके पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। एटम के अंदर रहता है सेंटर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस होल्ड करके रखता है और इलेक्ट्रॉन एटम के अराउंड रिवॉल्व करता है। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बहुत ज़्यादा हो जाए न्यूक्लियस के अंदर, तो न्यूक्लियस जो है उसके अंदर इतनी कैपेसिटी या इतनी पावर पोटेंशियल नहीं होता कि वो इतने ज़्यादा प्रोटॉन न्यूट्रॉन को होल्ड करके रखे एक साथ, तो उस वो एटम कहलाता है अनस्टेबल न्यूक्लाई। अनस्टेबल न्यूक्लाई क्या करता है, रेडिएशन इमिट करता है, वो अल्फा भी हो सकता है, वो बीटा भी हो सकता है, वो गैमा भी हो सकता है। इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जो एलिमेंट रेडिएशन इमिट करता है उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन है जो आपको पता होना ज़रूरी है। अब हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे हाफ लाइफ की। द टाइम ड्यूरिंग विच हाफ लाइफ ऑफ अनस्टेबल रेडियो एक्टिव न्यूक्लाई डिस इंटीग्रेट इज कॉल्ड हाफ लाइफ ऑफ द सैम्पल ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। वो वक्त जिसके दौरान कोई अनस्टेबल रेडियो एक्टिव न्यूक्लाई डिके हो रहा है, रेडिएशन को इमिट कर रहा है और चेंज हो रहा है किसी न्यू एलिमेंट में, उस टाइम को कहते हैं हाफ लाइफ उस एलिमेंट की। और हर एलिमेंट की डिफरेंट टाइम है जिसमें वो डिके होता है। सो एक्सप्लेनेशन में हम जाते हैं। अब लेट सपोज आपके पास कोई एलिमेंट है और वो डिके हो रहा है। डिके का मतलब होता है कि उसके अंदर से रेडिएशंस निकल रही हैं, उसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, फर्स्ट हाफ लाइफ में उसके नंबर ऑफ एटम्स कम हुए, सेकंड हाफ लाइफ में उसके उससे नंबर ऑफ एटम्स कम हुए, थर्ड हाफ लाइफ में उसके नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो कम हुए। लेट सपोज आपके पास पूरा एक एलिमेंट था, उसका पहले हाफ पार्ट डिके हो गया, फिर उसका सेकंड हाफ पार्ट डिके हो गया, फिर थर्ड हाफ पार्ट डिके हो गया। ये फॉर्मूला होता है हाफ लाइफ का कि वो एक साथ डिके नहीं करता, विद द पैसेज ऑफ टाइम हाफ हाफ करके वो डिके करता है। ये उस एलिमेंट का हाफ लाइफ टाइम कहलाता है। ह्यूमन एज होती है आपके पास 6200, एक्सपायरी डेट आ जाती है। कैट्स की एज होती है 2 to 3 years, उसके बाद उनकी एक्सपायरी डेट्स आ जाती है। जो रेडियोएक्टिव न्यूक्लाई होते हैं, लेट सपोज आपके पास कोई भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, उसको लेट सपोज कोई है और उसको एक साल लगता है कुछ पार्ट को रेडिएट होने में। आपके पास एक एलिमेंट है, उसने अपने अंदर से रेडिएशन उसके अंदर से निकली है, रेडिएशन जब निकलती हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकले हैं, उसका थोड़ा सा जो पार्ट है वो एक स्टेबल न्यूक्लाई में चला गया, मतलब एक न्यू न्यूक्लाई बन गया। फिर उसको एक और साल लग गया, उसने उतना सा पार्ट रेडिएशन इमिट हुई है और वो एक न्यू एलिमेंट बन गया। फिर एक और साल गुजरा और वो जो एलिमेंट था रेडियोएक्टिव एलिमेंट, वो दोबारा से उसने न्यूट्रॉन्स को रिलीज कर दिया, रेडिएशन निकल गई, वो किसी न्यू एलिमेंट में कन्वर्ट हो गया। जैसे ही टाइम गुजरता है, टाइम के साथ साथ जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है वो रेडिएशन को इमिट करता है और किसी न्यू एलिमेंट में बदल जाता है, रेडिएशन को इमिट करता है और न्यू एलिमेंट में बदल जाता है। ये पूरा एलिमेंट एक साथ न्यू एलिमेंट में नहीं बदलता। अगर एक साल है तो उसका कुछ पोर्शन बदलेगा, दूसरे साल में कुछ पोर्शन बदलेगा, तीसरे साल में कुछ पोर्शन उसका चेंज होगा किसी न्यू एलिमेंट में। ये पूरा एक साथ रेडिएट नहीं करता और हर एलिमेंट्स की डिफरेंट टाइम है जिसमें वो पूरा का पूरा कम्प्लीटली डिके हो जाता है, जिसको बोलते हैं हाफ लाइफ। कोई ऐसी टेक्निक जिससे हम पता लगा सकें कि थिंग्स चीज़ें जैसे कि वुड, लेदर, पेपर, बॉन्स, इनकी क्या एज होती है, ये कितनी देर तक जिंदा रह सकते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं कार्बन डेटिंग। ऑलवेज रिमेंबर डैट टोटल नंबर ऑफ एटम्स
ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई एंड टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ स्टेबल न्यूक्लियाई सेम होंगे बिफोर एंड आफ्टर द डिके. द टोटल नंबर ऑफ एटम्स है वो सेम रहेंगे बिकॉज एटॉमिक यहाँ पे आपके पास न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, प्रोटॉन्स नहीं, तो आपके पास जो एटॉमिक नंबर है वो सेम रहेगा, नंबर ऑफ एटम्स जो है वो सेम रहेंगे. कार्बन डेटिंग बताती है कि इस सब्सटेंस की क्या एज है. कार्बन डेटिंग के जरिए से हम 16,000 ईयर्स ओल्ड तक किसी भी सब्सटेंस की एज को पता लगा सकते हैं. जो डेड बॉडीज को एग्जामिन करते हैं कि इंसान को मरे हुए कितना टाइम हो गया है, ये कार्बन डेटिंग के जरिए से ही होता है. जो प्लांट्स में वाटर, एयर और सॉइल की वजह से हम कहते हैं कि ये ग्रो करता है, जबकि ऐसा नहीं होता. जो प्लांट्स के अंदर ग्रीन लीव्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, एयर से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर जो है उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको रीअरेंज करते हैं. इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वुड, बार्क एंड लीव्स. जैसे कि आपके पास एक ईंट है, एक सीमेंट है और टूल्स है. आपने ईंट को लिया, सीमेंट लगाया और कुछ टूल्स के जरिए से आपने एक बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की. इसी तरीके से जो सॉइल, एयर और वाटर है वो भी एक बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं. अब जो आपके पास जो एनिमल्स हैं वो घास फूस खाते हैं और हम इंसान भी घास फूस खाते हैं, जिसे हम कहते हैं वेजिटेबल्स. मैंने कहूँगी प्लांट बेस्ड थिंग्स. एनिमल्स और ह्यूमंस हम दोनों जो हैं वो प्लांट्स खाते हैं. प्लांट्स खाने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर कार्बन 14 जाता है. आपको पता है कि ऑक्सीजन, जितनी भी लिविंग थिंग्स है ऑक्सीजन इनहेल करती है. ऑक्सीजन इनहेल करने की वजह से ऑक्सीजन और कार्बन आपस में रिएक्ट करती है और आपकी बॉडी में न्यू सेल्स बनते हैं. जो ओल्ड सेल है उसकी रिप्लेसमेंट होती है न्यू सेल्स के साथ कॉन्टिन्यूसली. एक ह्यूमन बॉडी में, एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी में बिलियंस ऑफ ग्राम ऑफ कार्बन 14 मौजूद होती है. रेडियोएक्टिव एग्जिस्ट कर रहा होता है. अगर आपकी बॉडी में न्यू सेल्स नहीं बन रहे और आपकी बॉडी में जो रिप्लेसमेंट है सेल्स की वो नहीं हो रही है, इसका मतलब है ह्यूमन बॉडी इज डेड. हर एलिमेंट की जो रेडियोएक्टिव डिके है वो डिफरेंट है. फॉर एग्जांपल आपके पास एक एलिमेंट है जिसका नाम है रेडियम. अपनी करेक्टरिस्टिक्स की वजह से उसकी हाफ लाइफ जो पीरियड है वो डिफरेंट है. साइंटिस्ट का कहना है कि जो रेडियम है 226, उसका जो हाफ पीरियड है मीन्स के हाफ लाइफ है वो है 1620 ईयर्स. उसमें उसका जो फर्स्ट पोर्शन है वो डिके होता है, मतलब कि जो उसका सैंपल है वो किसी दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा इस ईयर के बाद. नेक्स्ट 16,200 ईयर्स के बाद उसका जो रिमेनिंग हाफ रेडियम है वो डिके हो जाएगा, किसी न्यू एलिमेंट में चेंज हो जाएगा. मीन्स के 1/4 पार्ट, पहले 1/2 पार्ट चेंज हुआ, अब 1/4 पार्ट चेंज हुआ. इसी तरीके से चलता जाएगा. जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स का हाफ लाइफ है जिसका फॉर्मूला है टी, कैपिटल टी और हाफ. At the end of this time, number of atoms in the sample will become half. Then the second half life period, the number of atoms will become half. Then the third half period, the remaining atoms will be left and change into another element. So the number of atoms will remain same. So iska jo formula hai wo hamare paas hai, remaining atoms equals to original atoms 1/2 ki power t. ये जो रेडियो एक्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है आपकी फिजिकल कंडीशंस पे, केमिकल कंडीशंस पे डिपेंड नहीं करती. फिजिकल कंडीशंस कौन सी? आपका जो टेम्परेचर है, आपका जो प्रेशर है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. होप यू लाइक दिस वीडियो. होप यू गेन सम नॉलेज. कॉमेंट बिलो एंड सजेस्ट मी न्यू टॉपिक्स.